हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरी दिखो रवा, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। अभी बजे है शाम के 8:10 होने वाली है और आज है शरद पूर्णिमा। जैसा कि मैंने अगले व्लॉग में ही आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं तो दे ही दी थी, बट आज फाइनली शरद पूर्णिमा हो गई है। तो शरद पूर्णिमा की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोग रेडी होके जा रहे हैं गरबा देखने के लिए। वैसे हमारे पोरबंदर में 1 डे का एक आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे एक ही दिन, सब शरद पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक ही दिन गरबा खेलने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं देखने। तो ऑलमोस्ट मैं तो रेडी ही हूँ और हेमल भी यहाँ पे रेडी है। हाय हेमल, जय श्री कृष्ण, गुड इवनिंग। सो आप रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ। वैसे हम कहाँ पे जा रहे हैं मुझे तो कुछ आधा अधूरा पता है, आपको ही पता होता है, फिर भी मैंने बोल तो दिया है कि जा रहे हैं, बट जा तो रहे हैं, बट कहाँ पे वो प्रॉपर मुझे नहीं पता। हेमल ने सिर्फ इतना बोला था कि एक दिन का वहाँ पे फंक्शन है नवरात्रि का और चौपाटी साइड कहीं पे है। क्यों हेमल, चौपाटी के पास ही है ना? हाँ, तो वहाँ पे हम लोग गरबा देखने के लिए जा रहे हैं। मुझे ना पूरा पता ही नहीं होता है, बस हेमल बोलते हैं रेडी हो जाओ तो हम तो रेडी हो जाते हैं और हेमल ले जाते हैं। क्यों हेमल, तो आप रेडी ना? तो चलिए अब जाना है ना। चलो तो चले गए। फिलहाल हम लोग जा रहे गरबा देखने के लिए। और आज ना बहुत सारी अलग अलग जगहों पे गरबा होता है, जो स्ट्रीट गरबा होते हैं ना, जो छोटी छोटी गर्ल्स खेलती है वहाँ पे भी होता है, बट क्लब में कोई कोई ही करता है। तो दो या एक या दो क्लब आई थिंक होने वाले है, ऐसा है ना हेमल? आज, हाँ आज, वो अब हम कल वहाँ से निकले थे ना, एग्जीबिशन में गए थे, तब दोनों तरफ वो दोनों साइड बंद रहा था ना वो, हाँ, इसलिए अब देखते हैं। हमें तो कहीं कहाँ जाना है, पार्टी प्लॉट जो है ना वहाँ पे, पार्टी प्लॉट है वहाँ पे, वो सामने तो कोरी समाज है ना, ऐसा है वो समाज, दूसरे लोगों का इलाज, ऐसा भी होता है देखिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, कहीं भी जाए हमें तो गरबा देखने से मतलब है, तो चलिए चलते हैं, हम तो हमारा एंजॉय करेंगे। आज ना लास्ट डे है, आज के बाद नहीं होगा क्या? आज ना लास्ट डे है क्लब का, ऐसा है? हाँ, शरद पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा है ना, हाँ। तो कल से तो फिर नवरात्रि, सबको नवरात्रि की छुट्टी हो जाएगी एक साल की। आज लास्ट डे है गरबा खेलने का, जिसको और भी खेलना है वो खेल लो। और कल से आई थिंक सब लोग दिवाली की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अभी फिलहाल लेट हो जाएगा, मैं बोल बोल करती रहूंगी। तो चलिए गाइस चलते हैं गरबा देखने के लिए। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। So guys, यहाँ पे भी एक दिन का फंक्शन है नवरात्रि का, बट हमें तो यहाँ पे नहीं जाना, दूसरी जगह पे जाना है। So guys, देखिए यहाँ पे भी दो जगह पे फंक्शन है नवरात्रि का, यहाँ पे भी है और उसके सामने भी है, तो हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ पे भी दो जगहों पे फंक्शन है और देखिए यहाँ पे भी है नवरात्रि का फंक्शन शरद पूर्णिमा के दिन का। So guys, finally देखिए हम लोग चौपाटी साइड पहुँच गए हैं और यहाँ पे भी दो फंक्शन है जैसा घर पे ही बोला था। तो देखिए वहाँ सामने भी है और दूसरा यहाँ पे पार्टी प्लॉट में है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे भी स्टार्ट हो गया लगता है, यहाँ पे पता नहीं स्टार्ट हो गया लगता है यहाँ पे भी। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, चौपाटी के जो एक सामने है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं रास गरबा देखने के लिए। तो चलिए फाइनली हम लोग अंदर एंटर करते हैं। तो गाइस फाइनली अंदर एंटर कर
अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे सेकंड राउंड आई थिंक स्टार्ट होगा, अभी पता नहीं है क्योंकि पूरा ग्राउंड खाली है यहाँ पे। हम लोग तो बस जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, जब फर्स्ट राउंड फिनिश होने वाला था तब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो अभी थोड़ी देर में आई थिंक सेकंड राउंड भी स्टार्ट होगा। सारे 11 बजने वाले हैं, आज 12 बजे फिनिश हो जाएंगे।
घर पे पहुंच गए हैं और अभी रात के 3 बजने वाले हैं। अब जाके हम लोग घर पे पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा ही वहां पे लेट हो गया, बट गरबा देख के बहुत ज्यादा ही मजा आया और हम लोगों ने वहां पे बहुत इंजॉय किया। और खासकर मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा वहां पे अच्छा लगा बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे वहां पे मिलने आ रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि दी हम लोग आपके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, डेली देखते हैं और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो डेली वीडियोस देखते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उन सबको दिल से थैंक यू। और बहुत ज्यादा ही मजा आया, सब छोटे छोटे बच्चे इतना क्यूटली खेल रहे थे ना कि मुझे तो उन्हें देख के ही बहुत ज्यादा ही मजा आया। सो गाइस, आज तो नवरात्रि का लास्ट डे था, अब तो 1 साल वेट करना पड़ेगा नवरात्रि के लिए। बट हाँ, अब तो ना दिवाली की धमाकेदार तैयारियां स्टार्ट करेंगे। अब तो दिवाली आने वाली है अभी थोड़े ही दिनों में, तो सब उसकी प्रिपरेशन करेंगे एंड बहुत सारा दिवाली का भी प्री प्लानिंग करना है और बहुत सारा काम है, तो वो सब अब तैयारियां करेंगे। अब नवरात्रि को तो 1 साल बाद नवरात्रि वापस से आएगी। और हाँ, दिवाली के भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, 3 बज गए हैं, अभी तो मैं एडिटिंग पे सीधा बैठ जाती हूँ। तो चलिए, फिलहाल आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।